हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फोजन की दुनिया में आपका फिर से एक नए व्लॉग के साथ स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे स्पेशल रेसिपी बनाना एक कढ़ी की, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। और कुछ होती है पकौड़ी वाली, ये जो कि कढ़ी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं बच्चे। तो आज हम वो वाला बनाने, वो रेसिपी बहुत ही अच्छी डीपली सीखेंगे। किसी की है जो कढ़ी फट जाती है, तो आज मैं बताऊँगी वो किस रीज़न से फट जाती है, हमारी उसमें क्या गलतियाँ होती हैं और क्यों हमारी कढ़ी अच्छी नहीं बन पाती, खट्टी नहीं बन पाती। तो सबका अलग अलग तरीका होता है वैसे बनाने का, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से वो करूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट बताऊँ कि कढ़ी कैसे बनाई जाती है। तो भाई आज मैंने पहले तो किया था सिर वॉश, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन हो गए थे सर, काफ़ी दिन तो नहीं, मतलब मैं 3-4 दिन में ही सर को वॉश कर लेती हूँ। बट आज मतलब किसी रीज़न से मैंने ऑयल लगवाया था, तो मेरे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो आजकल मैं कुछ कर नहीं पा रही थी डैंड्रफ में, क्योंकि सर्दियाँ भी थी। तो भाई मैंने सर वॉश किया पहले तो, और फिर हम अभी मेरा सर सूख चुका है, तो अब हम चलते हैं। किचन में ही खड़ी हूँ फिलहाल मैं, देखो। और अभी मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ, तो आपको पहले वो प्रिपरेशन दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली है, फिर आपको मैं कढ़ी बनाने बताती हूँ। कढ़ी बनाने से पहले साक्षी और को छोड़ाते हैं, मम्मी जी और को छोड़ाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आके कुछ काम करके, क्योंकि अभी तो सुबह का खाना हो चुका है। भाई हम छोड़ कहाँ है, इन साक्षी और यू ना है, भाई मम्मी जी होना छोड़ा, बाय बाय, आराम तो जाइयो, रास्ते में यो काम मत करियो। जाओ इनके इनके भाई बैग बुक ले लिए पिट्टू पट्टू। इनके बैग में वजन हो रहा था भाई एक की में। मम्मी जी पहन गई है जूते, मम्मी जी जूते भूल गई ही मारी। है मने भी लेके चलोगे, मने ना ले जाती है। तो भाई मनी मनी मिला ही ना, मम्मी जी जूते पह रहे ही भाई, बनाना करने की कोई जरूरत नहीं बालका ने। सही है, लेने भी चाहिए कदे कदे आवे। तो भाई ने बिठाया हूँ बस में, ये चल पड़े भाई मामा के। तो भाई हम पहुंच गए हैं दुकान पे, ये वेट करने लग रही है यहाँ खड़े होकर। यहाँ पे भाई पापा जी की शॉप है छोटी सी, देखो ये वाली है, यहाँ पे कुछ कुछ वो रखा है, पालक पुल के पापा जी लेट रहे हैं। तो भाई संडे के दिन लग रहे थे ये बैडमिंटन खेलने, भाई दोनों भाई ये तीनों, ये भी है कोई इनका फ्रेंड है। तो भाई संडे वाले दिन ही मिलते हैं, वैसे तो मशीन का काम करते हैं, फिर संडे वाले दिन मेरा दिल फ्री आ रहा है। तो भाई इन्होंने बहुत एंजॉय किया आज खेलने मस्ती में, ये देखो भाई उल्टे हाथ से खेल रहे थे ये। तो भाई अब चलते हैं घर पे, हम बना रहे हैं कढ़ी, ऑयल गरम हो रहा है, ये पकौड़ी के लिए हो गया भाई बैटर रेडी, इसमें रेड मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, और ये है हरी मिर्च, प्याज काट लिए, आलू, इसमें है भाई पालक और धनिया मिक्स है, ये काट लिया है। तो फटाफट से करती हूँ भाई ये पकौड़ी उतार दूँ, अब ये पकौड़े बनाने लग रहे हैं। इसमें भाई मैंने प्याज भी डाल दिए, थोड़े से प्याज काट दिए थे मैंने, तो अब ये बन जाएंगे, फिर हम करेंगे कढ़ी स्टार्ट। लस्सी ये रखी, इसमें डालेंगे बेसन,
कर दी कड़ी स्टार्ट। इसमें डाल दी पहले मेथी और जो पकौड़ा का ऑयल बचा हुआ था भाई उसमें ही डाल दी है। और अब डाल देंगे हम इसमें प्याज, ये प्याज पकड़ा बढ़िया तरह भून ले, गोल्डन गोल्डन कर ले। तो भाई अब डालेंगे आलू। तो ये भाई भून गया बिल्कुल अच्छी तरह प्याज। तो अब इसमें डाल दीजिए आलू, मटर भी भून दे देना भाई, मटर भी भून ली और आलू भी भून दिए डाल दू। तो भैया अब ये गोल है ना ये सारा इसमें डाल दिया जो भी हमने मिक्सर रेडी किया था। अब इसमें पानी डाल के ये भी वो कर दूंगी सारा। तो भैया अभी ये थोड़ी देर में कलर छोड़ जाएगी, अभी ये थोड़ी अम्बाल दी है तो इसलिए थोड़ा सा लेट कलर छोड़ती है, तो अभी बाद में वो कर लेंगे। पानी ले मैं दो को पानी दे। वही अब इसमें धनिया कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता भैया अलग होता तो हम बूंद लेते पर हमने बूंदा नहीं क्योंकि इसमें ही सब कुछ मिक्सर है। तो कड़ी पत्ता धनिया पालक इसमें है भाई जो कुछ आप मतलब खाते हो कड़ी में। अब ये थोड़ी देर में पकौड़ी तो भाई बिल्कुल लास्ट में डलेगी, अभी ये उबल उबल के मंदी आँच पे और काफी टाइम के लिए बनेगी और बनने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो भाई जो कड़ी के फटने के रीजन होते हैं वो होते हैं एक तो लस्सी अच्छी ना हो, हमारी जो लस्सी होती है वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, अगर फ्रेश नहीं है तो कोई बात नहीं, जो वैसी होती है मतलब पीछे वाली हमारी लस्सी होती है उसकी कड़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, मतलब खट्टी और बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। तो देखो भाई मैं इसको हिला रही हूँ लगातार, वो इसलिए हिला रही हूँ अगर मैं इसको नहीं फेरूंगी तो इसमें जो फटी फटी होती है ना देखो वैसी बनेगी। और देखो अभी अब मेरी कड़ी है ना कहीं से भी आपको फटी फटी नहीं लग रही होगी। तो भाई अभी ये कड़ी बन रही है, जब तक मैं इसको एक उफान तक तो तेज रखूंगी, जो मेरी गैस है उसकी फ्लेम हाई रखेंगे, देखो हाई फ्लेम है, उसके बाद में उसकी लो फ्लेम कर दूंगी बाद में क्योंकि जब ये मेरी कड़ी उफान में आ जाएगी। और ये साइड में मैंने इसकी पकौड़ियाँ उतार के रख दी है और फ्रेश है देखो बिल्कुल फ्रेश पालक लेके आए हुए थे हम क्योंकि हमारे भाई इसमें लगती है पापा जी उगाते हैं तो इसलिए बिल्कुल फ्रेश पालक है। तो भाई एक उफान आ जाएगा तब तक मैंने देखो किचन बिल्कुल सारा क्लीन कर दिया क्यों बहुत ही गंदा हो गया था किचन क्योंकि गैस के जो आसपास छिट्टे विट्टे लग जाते हैं तो इसलिए अब ये बर्तन है और बर्तन करूँगी मैं साफ फिर आपको दिखाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें और देखो कहीं से भी फटी फटी नहीं लग रही होगी आपको। देखो और ओ माई गॉड ये राइस भाई पता नहीं बार बार निकल रहा है पानी और मैंने धीमी आँच कर रखी है फिर भी कोई नहीं मैं इसे देखती हूँ। इसमें राइस बन रहे हैं प्लेन और देखो भाई मैंने सारे बर्तन चकाचक साफ कर दिए और अब ये भी काम बढ़ गया है ये कर दूँ साफ। देखो हमारी स्पेशल जो है कड़ी बन चुकी है ये भाई ऊपर वो आई हुई थी काफ़ी टाइम हो गया ना रखी तो इसलिए देखो पकौड़ी के साथ कितनी अच्छी लग रही है। और सैलेड होगी भाई गर्म गर्म, देखो इसमें रोटियाँ हैं अभी खाएँगे थोड़ी देर में, अभी बना के रख दिए मैंने अभी खाएँगे इसलिए। और तो भाई देखो कड़ी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, रेसिपी कैसी लगी और पसंद आए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना चैनल पे और नई नई वीडियो देखने के लिए मुझे मैसेज करना। तो देखो भाई अभी राइस इसमें रखते हैं, राइस को दिखाते हो, राइस भाई सिंपल बॉयल होते हैं हम ऐसे नहीं खाते, देखो सिंपल बॉयल है इसमें कुछ भी नहीं है राइसों में। तो अभी कवर अप कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड आएंगे तब खाएँगे हम खाना, तो अभी मैं रख देती हूँ क्योंकि मेरे अभी ससुर जी आएंगे, बर्तन भी हो गए दोबारा दूसरे वाले भी साफ। और तो भाई अभी मिलते हैं खाने पे।